पंजाब के दीनानगर में कल रात उस समय हड़कंप मच गया जब दीनानगर के कृष्णा यूनिफॉर्म्स शोरूम और मैन्युफैक्चरिंग स्टोर में आग की लपटें निकलने लगी। देखते ही देखते आग ने इतना भयानक रूप ले लिया कि दुकान की दीवारों में दरारें पड़ गईं। फिलहाल देर रात फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों ने वहां पहुंचकर 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। रात 1:45 की गल आ, सानू टेलीफोन आया भी जिहड़ा कृष्णा शोरूम है मगराला रोड से, उत्थे अग लगी पई है। साडी गड्डी सी उत्थे QRT ते मौके ते गए आ, ते जिहड़ा फिर उत्थे अग लगी पई सी, उच्चों धुआं निकल रिहा सीगा। जिहड़ियां मौके ते जिहड़ियां फायर ब्रिगेड दीआं गड्डियां मंगाईआं, जिहदे नाल काफ़ी लोग भी इकट्ठे हो गए, ते लोगों की मदद दे नाल ते फायर ब्रिगेड की गड्डियां की मदद नाल जिहड़ी अग बुझाई गई, जिहदे नाल जिहड़ा शोरूम का काफ़ी नुकसान होया। जी सर, की कार्रवाई अमल च लैंदी गई? जो भी दुकानदारां दे बयान हासिल करके अगली जिहड़ी कार्रवाई है वो अमल च लैंदी जाएगी। शोरूम मालिक के भाई ने बताया कि देर रात दुकान बाहर बिजली विभाग का लगा बिजली पोल से शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी, जिसके तुरंत सूचना फायर ब्रिगेड और पुलिस को दे दी गई थी। इस घटना के साथ शोरूम का 40 से 50 लाख के करीब नुकसान हुआ है। दुकान मालिक ने बिजली विभाग को दोषी ठहरा कर मुआवजे की मांग की है। न्यूज़ डेस्क।